हेलो वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे क्लास एट्थ संस्कृत दिव्यम चैप्टर टू पुनर्मुशको भव उसके एक्सरसाइज अभ्यास सो so स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट करना ना भूलें ओके फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रदत्त विकल्पे भचितम उत्तरम चिन्हूत मीन्स जो दिए गए विकल्प है जो ऑप्शन है उनमें से सही आंसर को चूज कीजिए फर्स्ट है विडाल हा कस्मात विभेती। जो विडाल मीन्स जो कैट बिल्ली वो किससे डरती है बिल्ली मूशक़ चूहे से सिंहात, सिंह से कुकुरात, डॉग से किससे तो so, हमारा आंसर क्या है कुकुरात मीन्स डॉग से फिर नेक्स्ट देखिए कस्य तपोवने महातपा मुनि ही आसित कि किसके तपोवन में महातपा मुनि थे गौतम से है या फिर व्यास से किस किसके में तप, तपोवन में थे मुनि गौतम के तपोवन में वाल्मीकि के तपोवन में या फिर व्यास के तपोवन में तो सही आंसर है गौतम से गौतम के तपोवन में गौतम ऋषि के तपोवन में आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इस चैप्टर के ट्रांसलेशन नहीं पता तो जो ट्रांसलेशन है हमारे चैनल पर अपलोडेड है उसका लिंक मैंने दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है तो आप वहाँ से इसके ट्रांसलेशन को देख सकते हैं वहाँ से क्लियर कर सकते हैं सो so स्टूडेंट्स अगर कोई भी एक्सरसाइज या अभ्यास कर रहे हैं उससे पहले उसका ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़रूरी है हिंदी मीनिंग जानना मतलब जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में उस कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है तभी आप आसानी से समझ पाएंगे सो so स्टूडेंट्स आगे देखिए मुशक शावकम कह निसम कि उस चूहे के बच्चे को कौन लेकर आता है शेन काकह या बकह कौन लेके आता है तो उस बच्चे को काक लेके आता है कौआ लेके आता है फिर देखिए पुनर्मुशको भव इति वाक्यम के न कथितम कि फिर से मुशक हो जाओ पुनर्मुशको भव ये जो वाक्य है ये किसने कहा था पिता महेना न या मुनिना पितामह अर्थात दादाजी ने कहा था गौतम ने कहा था या फिर मुनि ने कहा था तो किसने कहा था मुनि ने कहा था फिर उसके बाद देखिए लास्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन मुशक कस्य अंकम प्राविशत जो मुशक था जो चूहा था वो किसके गोद में प्रवेश कर गया अंक मतलब गोद तो मुशकह कस्य अंकम प्रवेशत प्रविशत तो मुशक जो था किसके अंक में किसके गोद में मुनि के अंक में प्रवेश कर गया विडालस्य नहीं मुने हे? हाँ और कुकुरस्य नहीं कुत्ते ना कुत्ते के गोद में न विडाल के गोद में किसके गोद में मुनि के गोद में प्रवेश कर गया नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू को देखिए पूर्ण वाक्य न उत्तर तींस पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर देना है अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन जना व्याघ्र से विषय किम वदंती स्म लोग बाघ के बारे में क्या कहते हैं लिखिए आंसर क्वेश्चन में से लिखिए जना व्याघ्र से विषय वदंती स्म यन में से उठाइए जना व्याघ्र मुनि वद यम मूषक व्याघ्र अकोत् इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए अनेम मूषक व्याघ्र अकोत् फिर क्वेश्चन नंबर टू मूषक मुने अंकम किमर्थम प्रवेशत कि जो मूषक था जो चूहा था वो मुनि के गोद में क्यों प्रवेश किया उसने क्यों प्रवेश किया लिखिए आंसर एक बिडाल मूषक खादितुम अधावत तदर्थम मूषक मुने अंकम प्रवेश लिखिए आंसर लिखिए क्वेश्चन टू का टू के टू का एक मूषक खादि अधावत तदर्थ मूषक अंकम प्राविशत क्वेश्चन नंबर थ्री मुने व्याघ्रम कथम पश्यति जो मुनि था वो बाघ को कैसे देखता है लिखिए मुनि अनया कृपा पश्यति लिखिए आंसर क्या है मुनि व्याघ्रम मुषको अयम अनया कृपा दृष्टया पश्यति मिस जो मुनि था वो उस बाग को ये एक चूहा है ये एक मूषक है इस कृपा दृष्टि से देखता था तो आंसर क्या है मुनि ही व्याघ्रम मूषको अयम अनया कृपा दृष्टया पश्यति फिर क्वेश्चन नंबर फोर नीच श्लाघ्य पदम प्राप्य किम करोती जो नीच व्यक्ति है या नीच इंसान है नीच जीव है वो प्रशंसाजनक पद को पाकर क्या करता है तो आंसर लिखिए नीच श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामीनम हन्तुमिच्छति लिखिए नीच श्लाघ्य पदम प्राप्त इच्छति हंतु नीच जो है वो प्रशंसा जनक पद को प्राप्त करके अपने स्वामी को ही मारना चाहता है मीन्स अपने स्वामी की जगह लेना चाहता है मतलब ये देखिए कि कोई किसी पोस्ट पर है और कोई मैनेजर है जिसने अगर उसके पोस्ट को अपग्रेड किया प्रमोशन दिया फिर वो इंसान क्या चाहता है अगर वो नीच व्यक्ति है वो चाहेगा कि मैं मैनेजर बन जाऊँ मैनेजर के जगह पे बैठ जाऊँ क्लियर है फिर लास्ट देखिए क्वेश्चन टू का अनया कथया का शिक्षा प्राप्य थे इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं लिखिए अनया कथया यम शिक्षा प्राप्यते इसी में से लिखिए अनया कथया यम यम शिक्षा प्राप्यते यत की। इस कथा से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि नीचे क्रीत नीचे कृतम उपकारम एवं व्यर्थम गच्छति नीचे स्वीकृतम उपकारम एवं व्यर्थम गच्छति यथा मुशके कृतम उपकारम वृथागतम यथा मुशके कृतम उपकारम वृथागतम मींस कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि नीचों को मतलब किए गए जो कृतियाँ हैं या फिर कृतज्ञता है वो उपकार जो हमने किया है वो व्यर्थ होता है जैसे इस कहानी में मूषक के ऊपर किए गए उपकार व्यर्थ गया है तो इसका फिफ्थ का आंसर क्या है लिखिए अनया कथया यम शिक्षा प्राप्य यत नीचे शु कृत उपकार एवं व्यर्थम यथा मुशके कृत उपकार वृथा आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर टू भी क्लियर है अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री रेखांकित पदा आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत कि जो भी नीचे अंडरलाइन किए गए हैं जो भी वर्ड्स है उनको यूज करके प्रश्न निर्माण करना है क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है लिख देखिए मुशक व्याघ्रताम नीत मुशकह व्याघ्रताम नीत तो व्याघ्रताम की जगह क्या आएगा क्या आएगा काम मुशक व्याघ्रतम नीत तो क्या आएगा मुशक काम नीत मुशक काम नीत क्लियर है स्टूडेंट्स फिर देखिए कुक् रहा व्याघ्रात त्रस्ते कुक्कुर व्याघ्रात मतलब क्या है बताइए जरा जो कुत्ता है जो डॉगी है वो बाघ से डरता है तो फिर इसका क्या होगा कस्मात कुकुर कस्मात दृश्य थे जो कुकुर है जो डॉगी है वो कुछ किससे डरता है तो फर्स्ट का मीनिंग क्या था जो मूषक था वो व्याघ्रता को नीत यही है ना ये जो लाइन देखिए लास्ट में श्लोक है एक श्लोक देखिए चैप्टर के एंड में नीच श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामीनम हंतुम इच्छती मूषको व्याघ्रतम प्राप्य मुनिम हंतुम गो यथा तो इसीलिए मतलब जो मूषक था वो व्याघ्रता ले लिया मतलब वो बाघ बन गए बन गई जो जो चूहा था वो बाघ बन गया ठीक है व्याघ्र बन गया पहले क्या वो बिल्ली बना फिर बिल्ली से फिर बाघ तो मतलब ओरिजिनल तो चूहा ही था ना तो नहीं बिल्ली से कुत्ता बना कुत्ते से बाघ बना तो मेन जो ओरिजिनल वो तो चूहा ही था तो चूहा बाघ बन गया तो उसका मतलब व्याघ्रता किसको प्राप्त किया आगे देखिए नीचे शुक्रम उपकारम व्यर्थम मतलब नीचों को किया गया जो उपकार है वो व्यर्थ है तो क्या होगा केशु, केशु उपकारम व्यर्थम फिर आगे सह मुनिम हंतुम तुम उद्यत वो मुनि को मारने के लिए उद्यमित हो गया तो सह कम हंतुम उद्यत वो किसको मारने के लिए उद्यत हो गया फिर फिफ्थ है गौतम से तपोवने महातपा मुनि नाम मुनि ही आसित गौतम महर्षि के तपोवन में महातपा नाम के मुनि थे तो क्या होगा कस्य कस्य तपोवने महातपा नाम मुनि ही आसित क्लियर है स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से क्लियर है सिर्फ क्लियर है नहीं अच्छे से क्लियर है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर कथा क्रमानुसारे वाक्यानि संयोज्य पुनः लिखत अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी एंड रिराइट आपको जो भी नीचे दिए गए हैं कितने पॉइंट्स है सात पॉइंट्स है उसको अरेंज करके लिखना है कि किसके आगे क्या है सबसे पहले क्या है वो आपको लिखना है तो देख लीजिए एक है विडाल मुशकम खा दी इच्छत जो एक बिल्ली थी वो चूहे को खाने के लिए इच्छा रखती थी फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन एवम एव मुनि ही तम कुकुरम व्याघ्रम अकरोत और ऐसे ही उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया फिर एक महातपा मुनि ही आसत एक महातपा मुनि थे फिर अपि व्याघ्र इतिहास ज्ञातवा मुनि प्रश... प्रशंसती प्रशंसा लोग भी बाघ के इतिहास को जानकर मुनि के बारे बारे में प्रशंसा कर रहे थे फिर मुनि ही मुशकम विडालम अकरोत उस मुनि ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया क्रुद्ध व्याघ्र मुनि आक्रमत और इस बात से गुस्सा होकर उस मुनि ने मतलब उस मुनि को बाघ उस मुनि पर बाघ आक्रमण करता है फिर मुनि व्याग्रम अपी मुशकोयम इति न पश्यति और मुनि इस बाघ को ये तो चूहा है इस भाव से देखता है सह अरक्षत उसने काक से कौ से एक चूहे के बच्चे को या चूहे चूहे की बच्चे की रक्षा की तो यहाँ पे आठ पॉइंट्स से, है आठ सेंटेंसेस से। है इसको सीक्वेंस में लिखना है ठीक है क्रम से लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे पहले आएगा ये एक महाताप मुनि ही आसित एक महातपा मुनि थे फिर उसने कौए से एक चूहे के बच्चे को बचाया एक बिल्ली चूहे को खाना चाहती थी फिर फिर क्या तो उस मुनि ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद उस मुनि ने उस कुत्ते को क्या बनाया बाघ बना दिया फिर आगे क्या है बताइए जो मुनि था वो उस बाग को चूहे की नजर से देखता था और ये जो बाघ है उसके इतिहास को जानकर लोग जो थे बहुत प्रशंसा करते थे मुनि की कि हाँ एक चूहे को बाघ बना दिया और फिर अनेना क्रुद्ध इससे गुस्सा होकर जो बाघ था वो मुनि पर आक्रमण करता है क्लियर है आक्रमण किया आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसका जो ट्रांसलेशन है वो ऑलरेडी हमने पुट कर दिया है चैनल पर उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है आप वहाँ से देख लीजिए चलिए आगे देखते हैं विलोम पदा परस्परम मेलनम कुरुत मीन्स एंटोनिम्स करना है ऑपोजिट वर्ड्स मेल करना है ठीक है लेफ्ट में है कृपा हंतुम स्वामीनम झटिति अपकीर्ति और राइट में है शनै क्रूरता रक्षितुम शूयश सेवकम कृपा मतलब दया हंतुम मारने के लिए स्वामीनम स्वामी को झटीती जल्दी अपकीर्ति मतलब कुयश मींस किसी के बारे में बुरा सुनना वो अपकीर्ति राइट में है शनि धीरे क्रूरता मींस क्रिटी रक्षितुम रक्षा के लिए सुयश अच्छे यश सुनम सेवकम सेवक तो कृपा के साथ क्या होगा कृपा क्रूरता हंतुम, रक्षितुम स्वामिनम सेवकम झटिति सेवक झटि सुयश सो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आपको क्लियर है चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स उचित पदेन रिक्त स्थानी पूरयत फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड मुशक डैश भीत अस्ति जो चूहा है वो किससे डरता है विडालेना या विडालत विडाल से या विडाल के द्वारा तो विडाल से विडाल के द्वारा नहीं मुशक हा, मुने है डैश प्राविशत मुशक जो था जो चूहा था वो मुने के कहाँ प्रवेश करता है गोद में या गोद को बताइए अंके अंकम अंक को गोद को गोदे गोद में नहीं गोद को ठीक है क्या होगा आंसर अंकम जो मूषक था जो चूहा था वो मुनि के अंक को प्रवेश करता है ठीक है फिर उसके बाद देखिए व्याग्रह डैश सह वसत स्म किसके साथ रहता था व्याग्र मुनि के साथ ठीक है मुनीना मुनिना है नहीं मुनीना फिर मुनि ही डैश अपरिचित मुनि किससे पूछा चूहे से पूछा ये है आंसर चूहे से मुशके नहीं और फिर मुनि ही डैश स्ने किसको स्नेह करता था मुनि मुशके मुशकम नहीं सो so, स्टूडेंट जहाँ जहाँ आपको लगे कि कोई और विभक्ति होना चाहिए था बट दूसरी विभक्ति हुई है वो इसलिए क्योंकि कुछ होते हैं उपपद विभक्ति आप लोगों ने सुना होगा उपपद विभक्ति फिर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये होने की जगह वो हो जाता है मतलब जैसे देखिए कुछ होते हैं ना गच्छति गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति राम वन में जाता है क्या होना चाहिए राम वने गच्छति ऐसा होना चाहिए कि राम वन में जाता है लेकिन ये ना हो के क्या होता है राम बन वनम गच्छति राम वनम गच्छति क्यों गम धातु की वजह से तो इसलिए यहाँ पे जैसे आपने हमने किस में किया था सेकंड वाला जैसे देखिए कि अंके गोद में सप्तमी होना चाहिए लेकिन प्रवेश करने के उसमें लिए क्या हुआ द्वितीय अंकम ऐसे ही फिफ्थ वाला देखिए स्नेहति स्नेह जब धातु हो तो उसमें हम कौन सी धा वो यूज़ करते हैं अभिव्यक्ति सप्तमी विभक्ति ना कि द्वितीय इसलिए हमने मुशके किया है क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद देखिए अधोलिखित वाक्या अधोलिखित वाक्या नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत नीचे दिए गए गए जो सेंटेंस है वो संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए देखिए पिताजी कार्यालय से आकर विश्राम करते हैं जनक कार्यालय आगत विश्राम करोती फिर है नवयुवक नव नवयुवक देश छोड़कर विदेश जाते हैं तो नवयुवका देशम परित्यज्य विदेश गच्छन्ति। थर्ड है गंगा हिमालय से निकलकर भूमि को सींचती है गंगा हिमालयात निसृत्य भूमि सिंचती फोर्थ है फोर्थ है हम महाभारत देखने जा रहे हैं वह महाभारत द्रष्टुम महा। फिफ्थ लास्ट है मैं प्रातः उठकर ईश्वर को याद करता हूँ तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा अहम प्रातः उत्थाय ईश्वरम स्मरा आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर है थैंक यू